रिपोर्टेड जजमेंट, उसमें गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी वाजे दी हैं. सो टू से दैट हर चीज है. नाउ आर्टिकल 9 सेज नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ और लिबर्टी सेव इन अकॉर्डेंस विद लॉ. लाइफ एंड लिबर्टी. आर्टिकल 14 देखें, द डिग्निटी ऑफ मैन एंड सब्जेक्ट टू लॉ, द प्रिवेसी ऑफ होम शैल बी इनवायलेबल. सो द प्रिवेसी इज इनवायलेबल. अच्छा, इस पर जब जजमेंट वो सुप्रीम कोर्ट ने दी है तो उसमें उन्होंने कहा यस सब्जेक्ट टू लॉ कर सकते हैं. लॉ विच शुड अगेन ले डाउन द पैरामीटर. खतक साहब, जब प्रिवेसी को वायलेट करते रहे एज डायरेक्टर ऑफ द आईबी, एज हेड ऑफ द आईबी, तो कोई कंसिडरेशन आपकी क्या थी जब लोगों की प्रिवेसी को वायलेट? बताने से पहले मैं एक बात कहूंगा, मैं तो कुछ भी नहीं ना आज. जब उस वक्त हुआ आई ओन माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई ओन इट टूडे. आज इनकी गवर्नमेंट है, मेरे वक्त के कोई गलत किस्म के आज भी निकाल दे. ये रिपोर्ट PLD 1998 सुप्रीम कोर्ट पे 388 वो भी प्रिंसिपल्स भी लेट डाउन है, उसी की है बगिंग कांड भी का. अब ये कहते हैं कि जी वो इस तरह तरह जो भी जनरल बात की है इन्होंने, आज ये गवर्नमेंट में ना आज बंद कर दें सारी टेलीफोन टैपिंग. क्यों नहीं बंद करते हैं? या बंद कराएं इनकी मिनिस्ट्री भी. लॉ में बताता हूँ, पॉइंट इज आज भी वो ही हो रहा है. लॉ इज देयर. मैं बता नहीं सकते बंद कर नहीं सकते. अगर क्यों नहीं करते, अगर ये बंद कर सकते हैं, वो तो जो इलीगल हो रही है. अगर एजेंसी वन सेंटेंस इस मुल्क में इतनी पावरफुल है कि गवर्नमेंट नहीं बंद कर सकती टेलीफोन टैपिंग. इंटेलिजेंस एजेंसीज गवर्नमेंट से ज्यादा पावरफुल है, लेट मी अश्योर यू. नहीं तो इंटेलिजेंस एजेंसीज जब टैपिंग करती हैं तो आखिर किस लीगल फॉर्मूले के तहत करती हैं? कौन सा लीगल फ्रेमवर्क है? किसको अकाउंटेबल है? किसकी करनी है? कब करनी है? ये तो होना चाहिए. पब्लिक स्पेस में रिलीज कर दिया, ये तो होना चाहिए. अफसोस इसी बात का है कि इस मुल्क में जजेस की, जर्नलिस्ट की, पॉलिटिशियंस की. आप सिक्योरिटी का काम करें ना, आप मुल्क की सिक्योरिटी के लिए अगर आप टैपिंग करते हैं किसी को इतराज नहीं होगा. लेकिन यहां पे तो टैपिंग होती है सिर्फ प्योर सियासत के लिए, प्योर पॉलिटिक्स के लिए. तो इसी वजह से देखें आप ना, जो टेररिस्ट नेटवर्क हैं उनको पकड़ते हैं और सारा चूंकि एम्फसिस आपका जो है वो टोटल डाइवर्टेड है टूवर्ड्स पॉलिटिक्स एंड टू सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ अ सिलेक्टेड फ्यू, जो कि टोटल डायमेंशन चेंज कर देता है उसकी. और मैं आपको बताऊं कि अभी रिसेंटली 2-3 माह पहले न्यूज में रिपोर्ट हुआ, इवन बगिंग हुई है हमारी कैबिनेट डिवीजन की, नहीं पीएम हाउस में जहां पे कैबिनेट मीट करती है वहां पे बगिंग हुई है. एंड द बगिंग वाज नॉट बीइंग डन बाय आईएसआई और द आईबी. इट वाज कौन कर रहा था? ना आईएसआई थी ना आईबी थी. फिर ये जनाब हमारे और आपके जो सबसे बड़े मेहरबान अमेरिकन, उनके पास तो अब सुनाया कि छोटी छोटी गाड़ियां हैं वहां पे, उनके पास इक्विपमेंट होता है, पूरे एरिया की बगिंग करते हैं वो. छोटी छोटी गाड़ियां वो उसमें लेके, कोई भी डिवाइस होगी, आई एम नॉट श्योर, खोसा साहब को शायद पता होगा. यहाँ पे कैबिनेट, और ये चीज अखबार में छपी, इसमें कैबिनेट डिवीजन के जो सेक्रेटरी है उनका वर्जन भी शामिल था और उनको वो हटाना पड़ा, फिर वो एनी हाउस स्वीप कराना पड़ा, व्हाटएवर जो भी रीजन था. अच्छा देखिए, सो यहाँ पे तो बिल्कुल जो है ना, जो एम्फसिस जिस साइड पे होना चाहिए वहां पे है नहीं. आप जजों के, और आपने अगर July 20, 2007 का जो फैसला था उससे पहले 1-1.5 लाख रुपया मुशर्रफ की गवर्नमेंट को, फॉर द फर्स्ट टाइम परहैप्स इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, फेडरल गवर्नमेंट को जरिमाना हुआ 1 लाख रुपया कि आप इवन जजों को. देखिए आप कह रहे हैं कि सिक्योरिटी कंसिडरेशन पे करते हैं, नेशनल सिक्योरिटी भी करते हैं. पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर की, सदर की और इवन जजेस की, मतलब टॉप सिविल सभी की मतलब हो रही है, जजेस की भी हो रही थी आपके सामने ही है 2007 में. उन्होंने जो बात की है ना, इसमें कोई बात वो नहीं चाहिए जो एक्चुअली ऑन ग्राउंड है. इसीलिए मैंने इनको कहा ना कि अगर खत्म कर सकते हैं तो आज खत्म नहीं कर सकते, या नहीं खत्म करा सकते हैं तो ये छोड़ दें. द पॉइंट इज, ऐसी बातें हम जितनी मर्जी मॉरल्स की और इसकी बात, एक मुझे थोड़ा सा मैं आपको एक चीज दिखाना चाह रहा हूँ, फिर आप उसका जवाब दें. देखा हमें मीर साहब ने चूंकि बड़ा इस पर फोकस किया, मैं आपको एक उनका छोटा सा मिनी इंटरव्यू शॉर्ट सुनाना चाहता हूँ कि वो इस पर क्या कहते हैं, उसको भी सुन लें, उसके बाद बात करते हैं. पाकिस्तान में तकरीबन तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज माजी में लोगों के टेलीफोन टेप करती रही हैं और जिन लोगों के टेलीफोन टेप किए जाते थे उनमें प्राइम मिनिस्टर शामिल थी, उनमें फॉरेन मिनिस्टर शामिल थे. बाज़ुकात में यह भी पता चलता था कि फौजी जनरलों के, जजों के और जर्नलिस्टों के टेलीफोन भी टेप किए जा रहे थे. इस सिलसिले में बहुत से वाकयात जो मुझे याद आते हैं, जब आसिफ अली जरदारी साहब को 1996 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत खत्म होने के बाद गिरफ्तार किया गया और उन पर मुर्जा भुट्टो के कत्ल के इल्ज़ाम में उनका मुकदमा जो है उसकी तफ्तीश शुरू की गई, तो उस वक्त जेल में उन्हें एक उनकी अपनी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन सुनवाई गई इन्वेस्टिगेटर्स की तरफ से, जो उनके और फातिमा भुट्टो के दरमियान थी.
और उस एविडेंस उसको एक एविडेंस के तौर पे इस्तेमाल करने की कोशिश की गई और ये साबित करने की कोशिश की गई कि आसिफ जरदारी साहब को मुर्ज़ा भुट्टो के कत्ल का पहले से पता था, लेकिन ये पॉसिबल ना हुआ क्योंकि उसमें कुछ कानूनी पेचीदगियां आ गई। इसी तरह मलिक कयूम जो लाहौर हाईकोर्ट के जज थे, उनके और सेनेटर सैफुर रहमान के दरमियान एक टेलीफोनिक कन्वर्सेशन जो है वो सामने आई। इससे पता चलता है कि आसिफ जरदारी जब प्राइम मिनिस्टर हाउस में वजीर आजम के हस्बैंड के तौर पे मौजूद थे तो उनका टेलीफोन टेप हो रहा था, और मलिक कयूम जो कि एक जज थे उनका भी टेलीफोन टेप हो रहा था, सैफुर रहमान सेनेटर थे उनका भी टेलीफोन टेप हो रहा था। फिर एक और बहुत बड़ा सरप्राइजिंग एक स्कैंडल था जब फरवरी 2008 के इलेक्शन से चंद दिन पहले मलिक कयूम साहब अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान थे और ह्यूमन राइट्स वॉच ने उनकी एक सो कॉल्ड एक एलेज्ड टेलीफोनिक कन्वर्सेशन जारी कर दी और ये कहा कि मलिक कयूम साहब को 2008 के इलेक्शन में रिगिंग का पहले से पता था, तो मलिक कयूम साहब ने इसको डिनाई कर दिया। अब ये जो टेप थी मलिक कयूम साहब की, ये ह्यूमन राइट्स वॉच ने कहा कि ये किसी सहाफी ने टेप करके उनको दिया है। तो न सिर्फ पाकिस्तान में इंटेलिजेंस एजेंसियां लोगों के टेलीफोन टेप करती हैं, बल्कि बाज़ुकात हमने देखा है कि कुछ प्राइवेट लोग और खासतौर पर सहाफी भी अपनी पेशावराना जरूरियात के तहत लोगों के टेलीफोन टेप करते हैं। लेकिन मेरा ये ख्याल है जाती तौर पे कि ये पाकिस्तानी कानून के तहत इलीगल है, और अगर कोई शख्स किसी का टेलीफोन टेप करता है तो ये कानून की खिलाफवर्जी है, इस सिलसिले में अदालत से इजाजत लेना जरूरी है। लेकिन इसके साथ एक और भी अब जो है वो मसला सामने आ रहा है कि ना सिर्फ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन को रिकॉर्ड किया जाता है बल्कि उसके बाद उनकी एडिटिंग करके उनको डॉक्टर करके और उसको कुछ से कुछ बना दिया जाता है। तो इस लिहाज से पाकिस्तान में मौसर कानून साजी की जरूरत है। अच्छा, मैं एक छोटी सी इंफॉर्मेशन में आपको बड़ी जबरदस्त बात बताऊंगा। ये इन्होंने प्राइम मिनिस्टर तक बात की ना, मैंने खुद सुनी है टेप प्रेजिडेंट मुशर्रफ, सिटिंग प्रेजिडेंट मुशर्रफ की, सिटिंग चीफ मिनिस्टर पंजाब जो आजकल हैं परवेज इलाही साहब, उन दोनों की बात बेनजीर के मर्डर के तीन दिन बाद की बात मैंने खुद सुनी है उनकी। आई एम वेरी सॉरी बाबर सत्तार, बहुत देर से बहुत ही पेशेंटली मतलब सारा सुन रहे हैं, लेकिन इससे पहले कि बाबर सत्तार की तरफ जाएं, वो सुन रहे हैं, उस पर हमका लीगल ओपिनियन भी लेते हैं। देखिए, आपने ये कहा था खटक साहब कि नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट में ये जायज़ है, नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट में इसको किया जाता है। लेकिन अभी आपको मैंने बताया कि जरदारी साहब जब अभी हामिद मीर साहब का आपने सुना, चार पॉइंट्स उसमें थे कि जब जरदारी साहब प्राइम मिनिस्टर हाउस में थे उनकी और फातिमा भुट्टो की कॉन्वर्जेशन जो थी वो भी रिकॉर्ड हो रही थी। फिर जस्टिस कयूम की जो उस वक्त जज थे लाहौर हाईकोर्ट के और सैफुर रहमान जो सेनेटर थे नवाज शरीफ की हुकूमत के दरमियान में, जबकि नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे, तो मतलब एक ही तरह की हुकूमत थी ऊपर से लेकर नीचे तक, तो उनकी कॉन्वर्जेशन जो है वो उस वक्त रिकॉर्ड हो रही, कोई कर रहा था उसको रिकॉर्ड, ठीक है। जर्नलिस्ट की भी रिकॉर्ड होती है और वो ये कहते हैं कि ये लीगल नहीं है। देखिए, इसमें तो ऐसा लगता है कि कोई एक फॉर्मूला नहीं है, कोई एक कानून नहीं है इसमें, जो आपने कहा कि नेशनल सिक्योरिटी में ये सारी फिट नहीं होती, जो आपने कहा, जो बाजी साहब ने कहा, ये सारा कुछ होता है, हो रहा है, आज भी हो रहा है। अगर कोई कह नहीं हो रहा तो आई थिंक इससे बड़ा झूठ दूसरा नहीं हो सकता। आज भी हो रहा है और ये आइंदा भी होता रहेगा अगर हम, जैसे इन्होंने भी कहा और भी चीज़ें, अगर हम कुछ ना कुछ स्टेप्स ना लें, वो उस पर बाद में आते हैं। ये जो आपने बात की आसिफ जरदारी साहब का फ़ोन, देखें आप, मुमकिन है कि वो दूसरे एंड वाला फ़ोन टैप्ड हो, उसमें भी उनकी आवाज़ आएगी। जस्टिस कयूम ने सजा देनी थी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और आसिफ जरदारी साहब को, इसलिए उस पर एक चेक उस वक्त गवर्नमेंट ने रखा था कि उनको रिकॉर्ड इसलिए किया गया था फ्रॉम दैट गवर्नमेंट, जो मुझे समझ में आती है कि आया ये गवर्नमेंट की लाइन टो करेंगे कि नहीं, इनको सजा देंगे कि नहीं। उसमें फिर और भी बातें आती रहीं, ये हुआ ही सेनेटर सैफुर रहमान के कहने पर हुआ। अच्छा, एक सेकंड में थोड़ा सा चलने दें, अगर देखें ये गलती वो नहीं करते तो आज इनकी गवर्नमेंट भी नहीं होती। मैं इस पे बड़ी तफसील से बात करना चाहता हूं, लेकिन ब्रेक लेते हैं नाजीम, ब्रेक लेते हैं और बाबर सत्तार हमारे साथ हैं, मैं चाहूंगा कि इसका हम कानूनी पर्सपेक्टिव इनके साथ डिस्कस करें, लेकिन ब्रेक के बाद, ब्रेक के फौरन बाद।